दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो वह इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन में मौजूद थोड़ी सी दवाई बाहर निकाल देते हैं और ऐसा वो इंजेक्शन में मौजूद हवा या एयर बबल को बाहर निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर किसी को खाली या ऐसा इंजेक्शन जिसमें हवा या एयर बबल हो लगाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इंजेक्शन में ये जो हवा या एयर बबल होते हैं इसे एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है। अगर किसी को खाली या एयर बबल वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझें तो मान लीजिए एक पाइप है जिसमें से पानी निकलता है। अगर इस पाइप में एक छोटा सा पत्थर चला जाए तो वो आसानी से पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर ये पत्थर पाइप के जितना बड़ा हो तो उस पत्थर के पाइप में फंसने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे, और अगर ये पत्थर पाइप में फंस जाता है तो उस पाइप से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों ये जो इंजेक्शन होते हैं इन्हें नसों में लगाया जाता है और नसों में ही खून बहता है, और ये नसें एक तरह का रास्ता होती है ब्लड फ्लो के लिए। लेकिन अगर इस रास्ते में कोई एयर बबल आएगा तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है और उसमें बिल्कुल छोटा या मामूली सा एयर बबल है तो किसी भी तरह की परेशानी होने की संभावना काफ़ी कम होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो के लिए जगह बनी रहती है। मतलब मामूली सा एयर बबल होने पर शरीर में ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर ये एयर बबल बड़ा हो या इंजेक्शन में ज़्यादा हवा रह जाए तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग के रास्ते में ये एयर बबल आ जाए तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि ब्लड हमारे दिमाग तक भी ना पहुँच पाए। दोस्तों इसी तरह अगर ये एयर बबल दिल तक पहुंच जाता है तो वहां जाकर ये फट भी सकता है, और ऐसा होने पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए जब कोई किसी को इंजेक्शन लगाता है तो उसे उस इंजेक्शन में से ये एयर बबल या हवा निकाल लेना चाहिए। अगर गलती से मामूली सी एयर इंजेक्शन लगाने पर चली भी जाती है तो इससे किसी भी तरह की परेशानी होने की संभावना काफ़ी कम होती है। और खाली इंजेक्शन तो कभी किसी को भूल से भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर किसी को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।